कॉन्फ्रेंस की है जो हम लोग मीरा रोड, क्योंकि एक मुसलमानों का बहुत बड़ा पॉकेट है यहाँ पे, हमने एक 21 अक्टूबर को कल शाम में कॉन्फ्रेंस रखी है, स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, जिसका थीम है बीइंग मुस्लिम यूनिफाइड अनस्टॉपेबल अनअपोलोजेटिक। इस वक्त अगर मुस्लिम उम्मत का हाल देखा जाए तो एक इंटरनल हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो कुरान के जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं, हम उससे बहुत दूर दिखते हैं हमारा यूथ और नौजवान, और हम लोग इस्लाम की बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी इमेज दे रहे हैं लोगों को, ड्रग्स में आप देखिए, और टाइम पास करने में, रात रात तक घूमने में, या एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन और जो हमारा ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन एजुकेशन में भी बहुत कम है। ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो चीज़ कुरान और इस्लाम ने दिया था। तो हमारा अगर आप हिस्ट्री से भी कंपेयर करें जो कंट्रीब्यूशन रहा है नॉलेज और साइंस के एरिया में, सो ओवरऑल मुस्लिम का एजुकेशन में, कैरेक्टर में लेके बहुत सारे इस वक्त कॉन्ट्रडिक्शन है। तो पहला हम एड्रेस यही करेंगे, बीइंग मुस्लिम आपका कैरेक्टर हो ज़बरदस्त जो कुरान से मैच करता हो, जो आपको एक एक लाइट बन के, इस्लाम की लाइट बन के लोगों के सामने आए। और दूसरा जो चैलेंज मुस्लिम्स के साथ, एक्सटर्नल चैलेंज जो हैं ओवरऑल दुनिया में, आप देख रहे हैं कि ऐसी ताकतें हैं जो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ कंटिन्यूस गलत सवालात खड़े कर रही हैं, गलत इमेज क्रिएट कर रही हैं, जानबूझ के जो गलत चीज़ में कोई एक मुसलमान भी मुलव्वज़ होता है उसको पूरा एक प्रोपागेंडा उसको लेके क्रिएट कर दिया जाता है। और एक फिनोमिनन जिसको हम इस्लामोफोबिया कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ ज़बरदस्त नफरत और डर पैदा किया जाए इंसानों में, ये बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज और प्लान्ड वे में काफ़ी फंड्स डाल के बाकायदा इंडिया में, आप अगर यहाँ की रूलिंग पार्टी और भी जो लोग हैं जो कम्युनल एजेंडा रखते हैं, आप देख रहे हैं कि वो ज़बरदस्त डेली, आप न्यूज़ मीडिया अगर उठा के देख लीजिए, रोज़ इस्लाम आइडेंटिटी, उनके आइडियल्स को लेके, उनके बिलीफ को लेके, उनके पर्सनल लॉ को लेके हर तरह के क्वेश्चंस खड़ा करते हैं, मुसलमान को एक डिफेंस पोजीशन में डाल दे रहे हैं। सो ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन और बहुत अजीब सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है मुस्लिम्स को लेके, और कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सो ऐसे मौके में जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी कि बीइंग मुस्लिम सबसे पहला आपका काम है, बी यूनिफाइड, आप अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करिए और यूनिफाइड हो जाइए, अनस्टॉपेबल आप कंसिस्टेंट रहें, कुरान खुद कहता है कि तवासुबिल हक तवासुबिस सब्र, आपको सब्र करना है यानी कंसिस्टेंट रहना है, चैलेंजेस आएंगे बट यू डोंट हैव टू गिव अप, एंड अनअपोलोजेटिक तीसरा टाइम है कि यू डोंट, ये जो प्रोपेगेंडा, ये सब हम जानते हैं कि झूठ है, ये जो राई का पहाड़ बनाया जा रहा है ये सब एक साजिश के तहत कह रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बाकायदा पूरे वक़ार के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इस्लाम पे अमल करिए, कुरान के प्रिंसिपल्स पे अमल करिए, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको नहीं रोकता और कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती, आप अपने धर्म पे पूरी तरह अमल करिए। ये तीन बड़े मैसेज लेके हम वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और मीरा रोड में हम लोग पिछले एक महीने से कैंपेन कर रहे हैं, घर तो घर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स किया हमने और व्हाट्सएप और हर तरह से जो भी 360 डिग्री हमने कोशिश की कैंपेन करने की। फाइनल उसका कंक्लूडिंग इवेंट है 21 को कल, जहाँ पे हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे, उसके पूरे उस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स डिस्कस करेंगे। 21 अक्टूबर को है, संडे का दिन है, कल शाम में 7 बजे से शुरू होगा, ये 7 से 10 तक रहेगा, और इसकी लोकेशन है पयाड़े होटल जो है हमारा दीपक से अपोजिट में, पयाड़े होटल से के थोड़ा सा अंदर आके आप आला हज़रत ग्राउंड जो कानूनगोई स्टेट के करीब में है, वहाँ पे आप आला हज़रत ग्राउंड पे आइए, बहुत बड़ा जोगस पार्क है वो, तो वहाँ पे रखा गया है।